हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ब्यूटी हॉली श्रद्धा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोटिक हेयर कलर का रिव्यू, जो है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। इसके लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिला है, इसे मैंने खुद ही बाय किया है। ये वाला जो हेयर कलर है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सारी नेचुरल चीज़ है और इसमें सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये आपको हेयर कलर की तरह बिल्कुल नहीं लगेगा। ये कंडीशनिंग हेयर कलर है और इसका नंबर है 4N। देखिए, 6 शेड में आता है और इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी है, जिससे हमारे बालों में कोई भी समस्या, इरिटेशन पैदा नहीं होती है। मेरी बातें सुनते सुनते आपने इसकी पैकेजिंग तो देख ही ली, लेकिन देखिए, इसे ओपन करने के बाद में इसमें निकलता है एक डेवलपर और एक निकलता है क्रीम। उसके साथ में आपको मिलते हैं एक शैम्पू की बोतल और एक कंडीशनर की बोतल। साथ में आपको मिलेगा एक ग्लव्स। देखिए, ये ग्लव्स हैं, इसे मैं अपने हाथों में पहन लूँगी और मुझे एकदम फीलिंग आ रही है डॉक्टरों वाली। ये ग्लव्स पहनने में बहुत इजी है और आप इसे के ऊपर से ही हैंड वॉश कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आप अपने हाथों से लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको लेना है मोस्ट फेवरेट कांच का बाउल। आपका सबका नहीं, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसमें मैंने डाला है एक क्रीम का थोड़ा सा अमाउंट, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले। मैं मेरे हस्बैंड के बालों में अप्लाई कर रही हूँ, मेरे बाल अभी ज़्यादा वाइट नहीं हुए हैं, पर आजकल सबके बाल थोड़े थोड़े वाइट हो जाते हैं ना, इसलिए हेयर कलर तो आजकल नॉर्मल बात है। तो आपको लेना है डेवलपर और क्रीम और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे तब तक आपको मिक्स करना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। मीन्स आप कम से कम 1 मिनट तक आप इसे मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करने के बाद में आप इसे अपने धुले हुए बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे हम दूसरी मेहंदी में लगाते हैं, बहुत टाइम तक के मेहंदी घोल के रखनी होती है, या फिर आपको, आपने देखे होंगे दूसरे भी हेयर कलर्स, ये सारे कलर से डिफरेंट है। देखिए अभी बालों का कलर कैसा है और अब मैं इन बालों पर इन मेहंदी को अप्लाई करूँगी। तो मैंने पहन ली है ग्लव्स और मेरे हस्बैंड अपने बाल वॉश करके आ गए हैं और अब मैं इसे अप्लाई करूँगी थोड़े सूखे बालों में। तो इसे अप्लाई करने से पहले आप एक पैच टेस्ट ज़रूर ले लें, क्योंकि हो सकता है किसी किसी को इससे इरिटेशन हो, लेकिन मेरे हस्बैंड इसे कम से कम 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, कोई इरिटेशन नहीं होती है। और देखिए, इसे अप्लाई करने के बाद में इसका कलर आप बिल्कुल जज नहीं कर पा रहे हो ना कि मेहंदी लगी है। लगाने के बाद ये ऐसी ही दिखती है और वॉश करने के बाद ये है रिज़ल्ट।